नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निकली हुई ताकत वापस लाने का शक्तिशाली उपाय। दोस्तों, यह समस्या बहुत सारे युवाओं के साथ है जिनकी ताकत पहले ही नष्ट हो चुकी है बचपन में और उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपनी ताकत वापस लाना चाहते हैं, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी उनकी ताकत वापस नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? जो कमजोर बलहीन ताकतहीन व्यक्ति है वो आज की वीडियो यह देखकर ताकतवर बलवान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह तय कर लो कि वीर नाश नहीं करेंगे। ताकत तभी तो बढ़ेगी जिनका विवाह नहीं हुआ, वो हस्तमैथुन और संभोग या सेक्स बिल्कुल भी ना करे। यह आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। प्रतिज्ञा कर लो, ब्रह्मचर्य ही करूंगा, विवाह होने तक बिल्कुल भी वीर नाश नहीं करूंगा। चलते फिरते उठते बैठते दिमाग में यही रहना चाहिए कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं वीर्यवान हूँ। तभी आप बनोगे। जैसा आप सोचोगे तो वैसा ही आप बनते रहोगे। अगर आप सोचो कि मैं वीर्यवान हूँ तो आप वीर्यवान हो और आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। ये सत्य बात है। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार उसी समय होना शुरू हो जाएगा जिस समय आप ऐसा सोचोगे। जिसमें जितना वीर्य होता है वह उतना ही महान होता है। आपको यह भी पता है कि वीर्य की एक बूंद खून के 40 से 70 बूंद से बनती है और पक्का वीर्य तैयार होने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी अनमोल या हीरा वस्तु का क्यों नाश कर रहे हो? इसकी रक्षा करो। जो ताकत नष्ट कर दी उसे भूल जाओ, आगे नई ताकत बढ़ाएंगे और शुद्ध और पक्का वीर्य बनाएंगे। अपने बीते हुए पल जिसमें आपने वीर्य नाश किया है उसमें ग्लानि करें या सोचे कि मैंने कितना वीर्य नाश कर दिया लेकिन अब आगे नहीं करूंगा, अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि ब्रह्मचारी और वीर्यवान ही बनूंगा। दोस्तों, अगर आपको ताकतवर बनना है तो आपको पहले अपना दिनचर्या बनानी होगी। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, उन सबकी दिनचर्या ही अच्छी होती थी। वो दिन भर क्या कार्य करते हैं वही महत्व की बात है कि आप दिन भर में क्या कार्य करते हैं। अब ये नहीं कि आपने थोड़ा सा काम किया और लेट गए सो गए, ऐसा नहीं होता। आपको दिन भर जागना है। आपने कोई मेहनत का काम करा उसके बाद आपको सोना नहीं है, जागते रहना है। और अनेकों प्रकार की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए वो हमें खुद ही बनानी है। मुख्य मुख्य मैं बता देता हूँ जो आपको वीर्यवान बनाने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है, सुबह 4 बजे उठो। सुबह 4 बजे उठने का ब्रह्म मुहूर्त का समय है और उसमें शुद्ध वातावरण रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँचती है। एक अद्भुत शक्ति का संचार हमारे अंदर उस समय होता है जब हम सुबह को 4 बजे उठते हैं। हमारी एक एक नस नाड़ियों में शुद्ध ऑक्सीजन आराम आराम से जब पहुँचती है तो हमारे नसों में ऐसा लगता है कि शरीर में अद्भुत शक्ति मिल रही है। कोई अलग से आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, वो कोई और आत्मा नहीं, वो शुद्ध ऑक्सीजन का कमाल है। सेकंड नंबर पर है, सुबह व्यायाम करो। व्यायाम सुबह को इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, शुद्ध वातावरण रहता है और जब हम सांस भरते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारे फेफड़े क्या पैर हड्डी सारे मजबूत करती है हमारे शरीर के। उसका यही महत्व है कि प्राचीन काल में भी सब ऋषि मुनि सब महाराजा व्यायाम सुबह के समय करते थे। लेकिन आज का दुर्भाग्य क्या है कि व्यक्ति बंद कमरों में या जिम में अंदर बंद उसमें एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप हमेशा खुले में करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सेकेंड नंबर पर है प्राणायाम। प्राणायाम ये नहीं कि आपने एक दो प्राणायाम करे और छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्राणायाम करने हैं। लंबे लंबे सांस भरने हैं, लंबे लंबे सांस रोकने हैं, लंबे लंबे ही छोड़ने हैं। जब आप जितना आप लंबा लंबा सांस खींचोगे तो आपकी नस नाड़ियों पर ऊपर से नीचे तक असर दिखेगा और वो खींचेंगी। जो आपकी वीर्य की नली कमज़ोर हो रखी है वो भी आपकी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी और बहुत जल्दी। थर्ड नंबर पर है ध्यान। दोस्तों, हमें ध्यान की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, मन शांत नहीं रहता और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा हम ब्रह्मचर्य या वीर्यवान नहीं बन सकते क्योंकि हमारे मन में वीर्य नाश करने की इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मन एकाग्र रहेगा और आपको पता है जिसका मन एकाग्र हो जाता है वो एक अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा पुरुष बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका मन एकाग्र नहीं होता वो क्या करते आपको खुद नहीं पता। गलत विचार किस समय उसके मन के अंदर आ जाए वो खुद नहीं जान सकता।
इसलिए ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज जहाँ भी आप जाते हो वहाँ जाना है, लेकिन उससे पहले जितना आपके पास समय है आप पढ़ाई करो, नाश्ता करो। नाश्ता आपका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें आपने फास्ट फूड खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको ताकतवर खाना खाना है, जैसे दही हो गई, दूध हो गया। अगर आप वो नहीं खाते तो फल खाइए सुबह के समय, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और रात को अपने चने, मूंग की दाल, मुना खा, यह भिगो दो, सुबह को उठकर खाओ। और सुबह को अगर आप आंवला भी खाओगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। दिन में भी आप अच्छा खाना खाएं, ये नहीं कि आपने दिन में बाहर से ऑर्डर कर लिया, बुक करके मंगा लिया, बिल्कुल नहीं। आपको खुद घर का बना हुआ खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है, बिल्कुल शुद्ध। आपको दाल चावल हो, लस्सी हो, कुछ भी चीज़ हो, हरी सब्जियाँ हो, आपको भरपूर मात्रा में खानी है। ये नहीं कि आपको पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती, आपको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती, नहीं। आपको सारी सब्जियाँ भरपूर मात्रा में खानी है और अच्छे से खानी है। इसके बाद अगर आपको स्कूल से आते हो या कॉलेज कहीं भी जाते हो, आपको 4-5 बजे भी फल खा लेने हैं अगर आपको भूख लगती है तो। भूख ना लगे तो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके बाद आपको रात को जल्दी ही रोटी खा लेनी है, उसके बाद दूध पीना है। दूध में घी डालकर पियो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से युवाओं का पाचन तंत्र कमज़ोर हो रखा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। वो अपना पाचन तंत्र व्यायाम करके मजबूत करें, क्योंकि एकदम तो नहीं होता मजबूत, पर थोड़ा समय लगता है। इसलिए वो मजबूत केवल और केवल व्यायाम से हो सकता है, 2 से 3 महीने में। और जब आप वीर्य रक्षा नियंत्रण करते रहोगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, और फिर जो आप जो भी खाओगे वही आपके शरीर को ताकत प्रदान करेगा। दोस्तों ऐसे ही आपको रात को भी ध्यान जरूर करना है, क्योंकि पूरे दिन भर हम कहाँ घूमे, कहाँ भटके, हमारे मन में क्या गलत विचार आए, उसको फिर हमें स्थिर करना है, एकाग्र करना है। वो एकाग्र रहेगा तो हमारी रात को नींद अच्छी आएगी। नहीं तो आपने देखा होगा कि हमारे रात को मन विचलित हो जाता है और हमें रात को सोपन हो जाता है। नहीं तो हम सोने से पहले हस्तमैथुन कर लेते हैं अगर हमारा मन विचलित हो तो। इसलिए आपको ध्यान जरूर करना है रात के समय भी, चाहे सोते समय करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम का ध्यान करिए रात को सोते समय। दोस्तों अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। इस अश्लील भरी दुनिया में ताकत की कमी सभी को हो रही है। आज की यह वीडियो ताकतहीन बुद्धिहीन को वापस ताकतवर, बुद्धिमान, बलवान, वीर्यवान बना देगी। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।